आज मेरी किचन में बन रही हैं दो ऐसी रेसिपी जो आप डाइट में भी खा सकते हैं और गर्मियों में तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। ना इसमें कोई तेल है ना कोई एक्स्ट्रा मसाले हैं। लोगों को गर्मियों में एकदम हल्का फुल्का खाना पसंद है, उस हिसाब से ये रेसिपी दोनों आपके लिए ही है। आइए शुरू करते हैं बनाना। वेलकम टू माई चैनल फूड विशेषज्ञ। पहली मेरी रेसिपी है प्रोटीन से भरपूर विदाउट ऑयल। सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने विनेगर और 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने इसमें मैंने काली मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने शुगर डाली। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें डाला है ऑरिगेनो 1 टेबल स्पून डाला है। अच्छे से इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। जो चीनी है वो मैंने पाउडर शुगर यूज़ की। अब इसमें डाल रही हूँ पास्ता, ये बॉयल पास्ता है। फिर हम इसमें डालेंगे टोमेटोज, ऑनियंस, फिर हम डालेंगे इसमें कैरेट, सबको एक ही साइज़ का कट किया हुआ है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पनीर क्यूब्स, फिर इसमें करेंगे हम बॉयल कॉर्न। इसमें वेजिटेबल्स आप अपने अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पास्ता की एक ऐसी रेसिपी है, ये आप कभी भी लंच डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। कभी आपको ऑयली खाने का मन नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं। ये जल्दी ही बनता है, सिर्फ आपको जो पास्ता है उसको पहले से बॉईल करके रखना पड़ता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम कलरफुल लग रहा है, खाने में उतना ही अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें अब इसमें मैं ऐड करूँगी कुकुम्बर। कुकुम्बर भी ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कोल्ड पास्ता रेडी हो गया है। इसमें जो प्रोटीन है वो बहुत हाई मात्रा में है और ये लो फैट है। इसको आप डाइट में भी खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स खाते हैं तो उन बच्चों को तो ये पास्ता ज़रूर पसंद आएगा। मेरी सेकंड रेसिपी है भेल, डाइट भेल। स्पेशली मैंने डाइट वालों के लिए बनाई है। आइए शुरू करते हैं बनाना। इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन है और लो कार्ब्स हैं, लो फैट है। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पफ राइस लिए हैं, इसको ममरे भी बोलते हैं। मैंने ये 2 बाउल लिए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने जो वेजिटेबल्स रखी हैं वो सारी वेजिटेबल्स हम इसमें डालेंगे ताकि ये हेल्दी भी बने और टेस्टी भी बने। मैंने इसमें कैरेट डाला है, टोमेटो डाले हैं, बॉयल चने डाले हैं। मैंने इसमें डाला है खीरा, इसको भी सबको थोड़े से बड़े बड़े साइज़ में कट किया है। अब हम डालेंगे इसमें पनीर, पनीर को भी क्यूब्स में कट कर लिया है। फिर हम डालेंगे इसमें ऑनियन, अनियन उसको भी कट कर लिया है अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में। हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़, ऑप्शनल है, आपको तीखा पसंद है डाल सकते हैं। भेल थोड़ी तीखी हो तभी अच्छी लगती है। और डालेंगे हम बहुत सारा धनिया। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे चाट मसाला, मैंने 1 टीस्पून डाला है। थोड़ी भेल थोड़ी खट्टी नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता। हम डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, क्योंकि चाट मसाले में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है। जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, आधा नींबू का रस डालेंगे और थोड़े खट्टेपन के लिए। मुझे थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसमें नींबू और चाट मसाला दोनों डाला है। बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी खाने में उतनी टेस्टी और हेल्दी है। इसमें बहुत सारे वेजीज हैं इसलिए ये हेल्दी है। आप इसको भी, आप अगर डाइट करते हैं तो आप इसको दोपहर में, लंच में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और डिनर में भी इसमें इसको खा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डिनर में हमें हैवी खाने का मन नहीं करता है तो आप इस टाइप की जो भेल है, स्पेशली जो डाइट भेल है, वो आप बना के खा सकते हैं। आपको बहुत हल्का हल्का भी लगेगा और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।